कि सोनीपत बहुचर्चित पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सोनीपत से के एसटीएफ टीम ने 5 और आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। 5 आरोपी पेपर लीक मामले में कमीशन पर काम किया करते थे। एसटीएफ के रडार पर पैसे देकर परीक्षा पास करवाने वाले हजारों युवा के पेपर लीक मामले में कैंडिडेट को लेकर आया करते थे 5 आरोपी, और एसटीएफ की नजर में नौकरी लगने वाले हजारों युवा के, यानी कि ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने पेपर लीक के इस जाल में फंसकर पैसे दिए वो इनका शिकार बने, अब वो भी इनके रडार पर आ गए हैं। एसटीएफ अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और माना यह जा रहा है कि हजारों ऐसे युवा हैं जो इससे पहले इन लोगों का शिकार बने हैं, वो भी एसटीएफ की अब नजर में है, एसटीएफ की रडार में है, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे बहुचर्चित पेपर लीक मामले में हो सकते हैं। बड़ी खबर सोनीपत से ये है कि एसटीएफ टीम ने 5 और आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। 5 आरोपी पेपर लीक मामले में कमीशन पर काम किया करते थे, लोगों से वो पैसे लिया करते थे, एसटीएफ के रडार पर पैसे देकर परीक्षा पास करवाने वाले हजारों युवा आ गए हैं। नितिन अंतिल खबर अभी तक के संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हजारों ऐसे युवा के जो इस पेपर लीक के घोटाले में फंस सकते हैं। जी बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं जिस तरह से लगातार एसटीएफ इसमें कार्रवाई कर रही है सोनीपत, और उसने आज 5 और गिरफ्तारियां की हैं जिसमें 4 आरोपी सोनीपत तो एक रोहतक का रहने वाला, जिसमें आकाश, पवनजीत, रवि दहिया और अतुल, और इसके अलावा अभय जो रोहतक के गांव नानोंदा का रहने वाला है, इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और इनसे खुलासा ये हुआ है कि 5 आरोपी कैंडिडेट लेकर आते थे, कि दलाल का काम करते थे और कैंडिडेट का जो है अपना रोल नंबर है, जो उसका एडमिट कार्ड है, वो अपने सरगना निशांत को बेचते थे, और उसके बाद 14 से 15 लाख रुपए में एक पेपर की बात होती थी, और कमीशन बेस पर ये 5 आरोपी काम करते थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2 आरोपी आकाश और अतुल ने खुद परीक्षाएं जो पैसे देकर पास करवा ली थी, और आकाश का ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका था, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और एसटीएफ का अब ये कहना है कि 35 गिरफ्तारियां इसमें टोटल हुई है। जो इनका सरगना था निशांत, वो सीबीआई में था, और वही इनका सरगना था जो पेपर लीक मामले में सेटिंग करता था, और उसके बाद कैंडिडेट से पैसे लेने का काम ये करते थे, और कमीशन इन्हें दे दिया जाता था। इसके अलावा एसटीएफ का ये कहना है कि इसमें उन्होंने 35 गिरफ्तारियां तो कर ली हैं, लेकिन अभी सैकड़ों गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। हालांकि जो सरगना है उनकी लिस्ट 100 की से है, एसटीएफ के पास है, जो सरगना है वो गिरफ्तार हो चुके, लेकिन अभी यही कहना है कि 20 ही सरगना गिरफ्तारी हुई है, 35 जो गिरफ्तारियां टोटल हुई हैं उनमें पेपर देने वाले या फिर दलाल ही गिरफ्तार हुए हैं। अभी एसटीएफ के रडार पर वो युवा भी हैं जिन्होंने पैसे देकर परीक्षा पास की है या वो नौकरियां ज्वाइन कर चुके हैं। जी आरती, तो इस मामले में अभी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इन लोगों को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई सामने आ सकती है, कब तक इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो 5 आरोपी हैं उनको आज कोर्ट में पेश करेगी एसटीएफ टीम, और उनके सभी को रिमांड पर लेगी, क्योंकि इसमें जो 2 आरोपी हैं आकाश और अतुल, वो खुद परीक्षा के जो 14-14 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि इन्होंने दिए थे, और ये सबसे बड़ी बात परीक्षा पास भी कर चुके थे, और जो आकाश है उसका तो ज्वाइनिंग लेटर तक उसके घर आ चुका था, उसे ये बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन अब ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इनसे जो कड़ी अब एसटीएफ पुलिस ये जोड़ेगी कि इनके अलावा किन किन से पैसे लिए थे, और कौन कौन से परीक्षाएं हैं जिनमें ज्वाइनिंग हो चुकी हैं या ज्वाइनिंग होनी है, क्योंकि एसटीएफ का यह कहना है कि आरोपी अभी सैकड़ों हैं और वो युवा हजारों हैं जिन्होंने या तो नौकरियां ज्वाइन कर ली हैं या फिर जो नौकरियां अब लगे हुए हैं। जी आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब ऐसे लोग आ गए हैं एसटीएफ के रडार पर जिन्होंने पैसे देकर परीक्षाएं पास की थी, और अब आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं।